गुड इवनिंग। एक मिनट साइलेंस में फिर से बैठते हैं और साइलेंस में बैठकर अपने आप से पूछते हैं कि खुशी जो हम सबको चाहिए और खुशी जिसके लिए हम सब इतनी मेहनत भी करते हैं, तो वर्तमान समय क्या छोटी छोटी चीज़ आ रही है जिससे मेरे जीवन में खुशी जो होनी चाहिए वो नहीं अनुभव होती। दुनिया के बारे में नहीं सोचना है, आसपास के बारे में नहीं सोचना है, माय लाइफ, अपने जीवन में क्या ऐसी छोटी मोटी बातें आ रही हैं, चाहे वो घर पर है, चाहे वो काम के क्षेत्र में है, कौन सी ऐसी बात आ रही है जिससे मेरी खुशी स्थायी नहीं रहती और खुशी के बदले कुछ और चीज़ें आ जाती हैं। क्या आ जाता है खुशी के बदले? खुशी के बदले क्या आता है दूसरा? हाँ, स्ट्रेस आ जाता है। और क्या आ जाता है? और क्या आ जाता है? गम आ जाता है। हाँ, और क्या आ जाता है? उदासी आ जाती है। और फ्रस्ट्रेशन, हाँ, अनहैप्पीनेस, गुस्सा, एंगर, और कोई चीज़ आ जाती है? हाँ जी, डिप्रेशन भी आ जाता है। और फिर आपके पास ही आना पड़ेगा हमें, और फिर अगर हम आपके पास आए डिप्रेशन को ठीक करने के लिए और आपको ही थोड़ा थोड़ा हुआ होगा तो फिर तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा ना। इसलिए वहाँ डिप्रेशन तक पहुँचने से पहले ही हमें क्या कर देना है? उसको ठीक कर देना है। चलो, लेट्स टेक वन मिनट साइलेंस, अपने जीवन की चेकिंग करना एंड रियली ट्राई टू फाइंड इट आउट कहाँ है, क्योंकि जब उसके जड़ को फाइंड आउट करेंगे तो फिर उसका सल्यूशन निकालना भी ईजी हो जाता है। सिट बैक कम्फर्टेबल, अपने आप को देखें, सारा दिन में कौन सी ऐसी बातें आती हैं या वर्तमान समय मेरे जीवन में कौन सी ऐसी बात है जिस कारण जो मैं अनुभव करना चाहती हूँ वो मुझे मुश्किल लग रहा है। कुछ कुछ मिला, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा मिला लिस्ट, यस। अच्छा, नाउ शाउट, क्या निकला, क्या कारण है? एक्सपेक्टेशंस, वेरी गुड। और हाँ जी, हेल्थ प्रॉब्लम्स, और वरीज, हाँ, वरी का कारण क्या है? मनी, वेस्ट, और पीछे, हाँ, इच्छाएं, डिजायर्स, एंगर, पर एंगर का कारण क्या है? होल्डिंग ऑन, चीजें पकड़ के रखना, और डिससैटिस्फैक्शन, डिससैटिस्फैक्शन का कारण क्या है? रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है?
रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है? एक्सपेक्टेशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग और इस तरफ पीछे, हाँ जी, अटैचमेंट, ईगो और वेस्ट थॉट्स और लैक ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी गुड, और हाँ जी, प्राप्तियों की कमी और जोर से इनकेपेबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग, और पीछे वाले भी आंसर करेंगे ना, सिर्फ आगे वाले नहीं, थोड़ा सा जोर से बोलोगे आवाज आ जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग, हाँ, एक टाइम पे एक, हाँ, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ओके, और आई एम द टाइम की कमी, लैक ऑफ ट्रस्ट, गिल्टी, वेरी गुड, मिसिंग समवन, ओके, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, पीस नहीं है, पीस क्यों नहीं है? वी हैव टू, जैसे आपके पास कोई आता है इलाज कराने, तो आप ऐसे ही नहीं इलाज करना शुरू कर देंगे ना उसका, पहले आपको किधर जाना पड़ेगा? अगर कोई आपको आके कहे दर्द हो रहा है, आप इलाज शुरू कर देंगे? नहीं ना, तो ऐसे एंगर, ईगो, ये क्लैरिटी नहीं है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए, खुद के लिए, खुद को उसको ढूंढते जाओ, ढूंढते जाओ, ढूंढते जाओ, क्या प्रॉब्लम है? जब तक, क्योंकि हमने डायग्नोज ही नहीं किया ठीक से, इसीलिए हमें उसका इलाज नहीं हो रहा है। जैसे ही डायग्नोज हो गया, इलाज बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम कह रहे हैं ईगो, तो किसके अंदर ईगो? मेरी ईगो या जिनके साथ, जिनकी मुझे इस टाइम याद आ रही है कि किन की वजह से प्रॉब्लम है, उनकी ईगो? अगर मिसअंडरस्टैंडिंग, तो मतलब मैं लोगों को समझ नहीं पा रहा, जो वो कुछ लोग याद आ रहे हैं जो मुझे समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जब हम ये लिस्ट बोल रहे होते हैं, हमारी माइंड की स्क्रीन पर कुछ कुछ नाम आते हैं, आते हैं नहीं आते हैं, और फिर हम डायग्नोसिस अपना नहीं कर रहे होते, हम उनका कर रहे होते हैं कि उनको क्या क्या बीमारी है, लेकिन उनकी बीमारी का डायग्नोस करके, पर एक्चुअली हमने क्या सोचा, हम उनकी बीमारी का डायग्नोस कर लेते हैं, फिर हम उनको उनकी बीमारी बता देंगे, फिर वो अपना इलाज कर लेंगे, तो मेरा तो काम हो गया। और इसलिए हम सारा दिन डायग्नोसिस किसका कर रहे थे? औरों का। आपने कितनों का किया? वो इलाज करवाने के लिए माने? वो इलाज करवाने के लिए माने? नहीं माने ना? और उनका कोई प्लान भी नहीं है करवाने का। क्यों प्लान नहीं है उनका करवाने का? क्यों प्लान नहीं है उनका इलाज करवाने का? क्योंकि एक, उन्हें ये लगता नहीं कि वो बीमार है, और दूसरा, उनका सारा टाइम आपके डायग्नोस करने में जा रहा है, और वो भी यही फील करते हैं कि वो आपका डायग्नोसिस करेंगे, वो आपको बताएंगे, आप ठीक हो जाओगे तो उनकी प्रॉब्लम तो ठीक ही हो जाएगी। उनकी कोई प्रॉब्लम है थोड़ी, प्रॉब्लम हम हैं, और ऐसे ही हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है थोड़ी, प्रॉब्लम वो है, वो ठीक हो गए तो सब ठीक हो गया। मेहनत क्यों करें? गलती हमने थोड़ी की थी, गलती कौन कर सारा दिन? सारा दिन गलतियां कौन कर रहा है? कल शाम को हम एक प्रोग्राम में थे, तो एक भाई, प्रोग्राम में थोड़े से लोग थे, उनसे पूछा आज सारा दिन में किसी को गुस्सा आया? तो एक भाई ने कहा मुझे गुस्सा आया। फिर हमने पूछा किस बात पे गुस्सा आया? कहता मैंने, जो मेरे यहाँ प्यून सेवा पर है, मैंने उसको प्रिस्क्रिप्शन दी, मैंने कहा दवाई लेकर आनी है बाज़ार से जाके। वो गया, वो दवाई लेकर आया, लेकिन बिल नहीं लेकर आया। वो बिल क्यों नहीं लेकर आया? इसलिए मुझे गुस्सा आया।
तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर वो बेहतर आ जाता तो फिर मुझे गुस्सा नहीं आता, तो फिर चेंज किसको होने की ज़रूरत? उसको होने की ज़रूरत थी। एंड फिर जब वो प्रॉब्लम ढूंढ रहा था, उसने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग, वो मेरी बात को नहीं समझते। चाहे बात कोई भी हो, चाहे गलती भी किसी की भी हो, रिएक्ट कौन कर रहा है? रिएक्ट कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। और जिस क्षण हम रिएक्ट कर रहे हैं, खुशी किसकी गायब हो रही है? हमारी गायब हो रही है। सिंपल बात है। तो भले उनकी गलती कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो इतनी छोटी सी चीज हो या जीवन की कोई बहुत 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 बड़ी बात हो, रिएक्ट हम कर रहे हैं। सपोज हम कहीं जाएं, खाना खाएं, खाने में प्रॉब्लम उन्होंने की, बीमार हम हुए ना। तो अगर बीमार हम हुए तो हम इलाज किसका करेंगे? हम ये तो नहीं बैठकर बोलेंगे ना, प्रॉब्लम तो उन्होंने की थी ना, सफाई से खाना उन्होंने नहीं बनाया, तो अब ठीक भी किसको करना पड़ेगा? उनको करना पड़ेगा। नहीं, हमेशा फिजिकल हेल्थ में हम फोकस किस पर रखते हैं? किस पर फोकस रखेंगे? हमें ठीक रहना है, हमें ठीक रहना है, हमें ठीक रहना है। आप सारा दिन इतने लोगों का इलाज करते हैं फिजिकली, क्या आप गलती से भी कभी भी अपने को प्रोटेक्ट करे बिना किसी का इलाज करना शुरू करते हैं? कोई बात नहीं, ग्लव पहनना भूल गए, कोई बात नहीं, हाथ धोना भूल गया, टाइम का है, हर पेशेंट के बाद हाथ धोते रहो, इतनी देर में तो एक पेशेंट और देख लो। नहीं, हर बार हाथ धोना, हर बार हाथ धोना, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। करते नहीं करते? देखें, करते हर बार करते, क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अपनी प्रोटेक्शन के लिए। इसी तरह हर बार कोई बात होती है, कोई कुछ कहकर चला जाता है, कोई कुछ करके चला जाता है, हम अपने मन को धोते? एक्चुअली तो करना क्या चाहिए? हर एक से मिलने के बाद एक सेकेंड निकाल के मन को धोना चाहिए। धोना चाहिए, नहीं धोना चाहिए, ताकि उनकी कुछ भी छोटी मोटी इन्फेक्शन आई हो तो उसको वॉश करो। नेक्स्ट टाइम है, टाइम है। नहीं तो हम सारा दिन क्या कर रहे हैं, हर एक की जो इमोशंस हैं हम उसको सारा दिन कंज्यूम करते जा रहे हैं, और सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, दस नहीं, बाय द एंड ऑफ द डे हमने कितने लोगों की इन्फेक्शन ले ली। और जब तक हम घर पहुंचते हैं उन लोगों के पास जिनको हम क्या देना चाहते हैं, हम रोज शाम को जब घर पहुंचते हैं उनके पास जिनको हम देना चाहते हैं खुशी, प्यार, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, पहुंचते पहुंचते तक हम क्या देने शुरू कर देते हैं उनको? हम उनको वो ही देंगे जो इन्फेक्शन हमने सारा दिन कैच की थी। तो जैसे आप अपनी प्रैक्टिस में इतना ध्यान रखते हैं अपनी प्रोटेक्शन का, क्योंकि आपका रोल है औरों को हील करना, बट हीलिंग नॉट विदाउट प्रोटेक्टिंग। सिमिलरली स्पिरिचुअलिटी मीन्स बीइंग विद एवरीवन, हर एक के साथ रहना, हर रिश्ता निभाना, हर जिम्मेवारी निभाना, लेकिन पहले प्रोटेक्टिंग वनसेल्फ। हर एक से मिलने के बाद थोड़ी सी चेकिंग करनी पड़ती है, यहाँ पे क्या हुआ, मिलते समय और मिलने के बाद यहाँ पे क्या चला। जैसे सपोज आप शाम को बैठकर चाय पी रहे हैं और चाय पीते पीते सोफे पे चाय गिर गई, कितनी देर के बाद सोफे को साफ करेंगे? तुरंत करेंगे। अभी कप में चाय आधी पड़ी है, अभी आधा कप चाय पड़ी है, और जब तक आप उठकर साफ करेंगे वो चाय ठंडी हो जाएगी, फिर भी करेंगे। चाय पीने के बाद भी कर सकते हैं, कल सुबह जब पूरे घर की सफाई होगी तब भी कर सकते हैं,
हर साल जब दिवाली पे पूरे घर की सफाई होती है तब भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? दाग पड़ जाएंगे। कितना प्यार है हमें अपने सोफे से, है नहीं है? अगर उतना ही प्यार जितना सिर्फ सोफे से करते हैं, उतना ही प्यार अगर हम अपने आप से कर लेते तो थोड़ा सा भी कुछ गिरता तो हम तुरंत क्या करते, तुरंत क्या करते, साफ। लेकिन जब हमारे ऊपर कुछ पड़ता है हम कहते हैं इस बात को मैं जीवन भर नहीं भूलने वाला हूं, बोलते नहीं बोलते? मतलब हम कह रहे हैं इस दाग को साफ करने का मेरा कोई कोई प्लान नहीं है। क्यों? क्योंकि गलती ही उनकी इतनी बड़ी थी, और उनकी गलती इतनी बड़ी थी कि वो माफी के लायक ही नहीं है, बोलते नहीं बोलते? लेकिन उनको माफ ना करके दाग किसका पक्का हो रहा है? दाग किसका पक्का होता जा रहा है? हमारा। और ऐसे कितने दाग हो चुके हैं अभी तक, कितने दाग हो चुके हैं? हर थोड़े दिन के बाद छोटा मोटा दाग तो लग ही जाता है, लगता नहीं लगता? अब इतने दाग पड़ गए, इतने दाग पड़ गए, इतने दाग पड़ गए कि ओरिजिनल कलर ही नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे ही हो गया ना? ओरिजिनल कलर क्या था यहां का? कल सुबह के सत्र में आपने देखा ओरिजिनल कलर क्या था? ओरिजिनल कलर क्या था आत्मा का? पीस, लव, प्योरिटी, हैप्पीनेस। दाग कौन से लगे? दाग कौन से लगे? हर्ट, एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। और लगते लगते, क्योंकि हमने उनको उसी टाइम नहीं हटाया, थोड़ा भी गुस्सा आता अगर हम उसको उसी टाइम ठीक कर लेते दाग मिट जाता, लेकिन हमने हटाया नहीं और लगते गए। जितने दाग लगते गए हमारी ताकत कम होती गई, जितनी ताकत कम होती गई दाग और लगते गए, राइट? जितनी ताकत कम हो जाएगी हम जल्दी इरिटेट होंगे, तो दाग और लगते गए। और इतने दाग लग गए अब कि जो ओरिजिनल कलर है वो हमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, और अब हम कह रहे हैं शांति चाहिए, खुशी चाहिए। मतलब ओरिजिनल कलर एकदम गायब, अब ऊपर से मांग कर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली वो कहीं से नहीं मिलेगा। हमने क्या क्या किया खुशी के लिए? क्या क्या किया है हमने खुशी के लिए? एनीवन, क्या क्या किया हमने खुशी के लिए? क्या क्या करते हैं रोज खुशी के लिए? हाँ, खाना खाते हैं। ओ और क्या करते हैं खुशी के लिए? हाँ, टीवी देखते हैं। और क्या करते हैं? अच्छा, नई गाड़ी, नया बंगला, और पैसे कमाते हैं खुशी के लिए, और प्रेयर करते हैं खुशी के लिए, और शॉपिंग जाते हैं खुशी के लिए, फेस्टिवल एंजॉय करते हैं खुशी के लिए, हॉलिडे पर जाते हैं खुशी के लिए, माउंट आबू आते हैं खुशी के लिए, परिवार की इच्छाएं पूरी करते हैं, किसी को मदद की जरूरत है उसको मदद करते हैं, ये सब कुछ हम करते हैं, है ना? हम सब कुछ करते हैं, फिर भी अभी तक चाहिए की लिस्ट पर खुशी क्यों पेंडिंग है? फिर आज सब कुछ है घर में, बंगला आ गया, गाड़ी भी आ गई, बंगला आ गया तो बंगले के अंदर की सारी चीजें भी आ गई होंगी, हॉस्पिटल भी बन गया, सब कुछ आ गया, परिवार भी ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ है, सब कुछ आ गया, बच्चा तो क्या? बच्चा तो क्या? जब वो एक एक चीज खरीद रहे थे और उस एक एक चीज के साथ खुशी फ्री में आने वाली थी तो वो सारी चीजें आ गई, खुशी कैसे नहीं आई? वी आर नॉट सैटिस्फाइड, बट आनी तो चाहिए थी ना? अभी तो हम कहते हैं एक मिनट शांति दो, थोड़ी देर तो खुश रहने दो, और अगर गलती से कोई थोड़ी देर खुश हो जाता है उसको बोलते हैं ज्यादा नहीं खुश होना, बोलते नहीं बोलते? ताकि जितना थोड़ा बहुत था वो भी डिसअपियर हो जाएगा उसी टाइम, उसको पहले ही बता देते हैं ज्यादा नहीं खुश होना,
अगर ज्यादा खुश होंगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा खुश रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? आपको कितनी देर की खुशी चाहिए ताकि उतनी देर का सोल्यूशन निकालेंगे? परमानेंट, लॉन्ग लाइफ छोड़ो, एक दिन के अंदर कितनी देर? एक दिन हो गया तो रोज हो जाएगा। एक दिन में कितनी देर खुशी चाहिए, कितनी देर गुस्सा, इरिटेशन, स्ट्रेस, बाकी चीजें? परसेंटेज डिसाइड करें, जीवन को जीना शुरू करते हैं उस तरह से। हर क्षण, हर पल, 24 घंटा खुशी चाहिए। पॉसिबल है? पॉसिबल है? कौन कौन फील करता है पॉसिबल है? अभी सिर्फ माउंट आबू में बोलेंगे ऐसे, है ना? वैसे भी दो दिन से सेशन आफ्टर सेशन, सेशन आफ्टर सेशन, है ना? कितनी सारी सोफे की सफाई हो गई है, काफी सारे। यस, इट्स वेरी गुड। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है सिर्फ कि कल शाम या परसों या सुबह यहां से जाने के बाद भी उसको क्या करना है? साफ रखना है। हर साल, हर हफ्ते इतने सारे भाई बहने आते हैं आपकी तरह, सब आते हैं, लास्ट डे पर कहते हैं क्या छोड़कर जाएंगे? कहते हमने गुस्सा छोड़कर नहीं जाना, हमने तो ऑलरेडी छोड़ दिया, वो तो गया, वो तो फिनिश्ड हो गया, बिल्कुल पहले दिन ही फिनिश हो गया था यहां पर आने के बाद। और फिर जब तक बस में बैठेंगे, यहां से स्टेशन या एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, फिर स्टेशन पे जाके पता चलेगा आपकी ट्रेन 2 घंटा लेट है, फिर वहां प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे, वहां आसपास गंध होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? वो दाग। और ट्रेन में चढ़ने से पहले ही कहेंगे ये सारी बातें वो आश्रम में ही ठीक थी, ये प्रैक्टिकल में नहीं काम करती कोई भी ये सारी बातें, ये ताली बजाने वाली बातें कोई हो नहीं, ये ताली बजाने वाली बात नहीं है। हमने ये सोच लेकर कल नहीं जाना है, नहीं जाना है। हमें 3 दिन की खुशी नहीं चाहिए, है ना? फिर वहां जाते हैं, फिर वैसे ही पैटर्न में जाते हैं, फिर कहते हैं चलो अब अगले साल फिर जाएंगे 3 दिन के लिए। नहीं चाहिए। हमें कितने दिन खुशी चाहिए? हर रोज, हर पल हम अटेंशन रखेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे तो खुशी कैसे होने वाली है? कॉन्स्टेंट। सिर्फ एक चीज की चेकिंग करनी है, वो एक चीज की चेकिंग की खुशी कॉन्स्टेंट है। सारा दिन में हम कभी ना कभी किसी ना किसी को ब्लेम करते हैं जिसकी वजह से हमारी खुशी गायब होती है। ब्लेम करते हैं, नहीं करते? करते हैं। मैं गुस्सा हूं क्योंकि, मैं इरिटेट हुआ क्योंकि, मैं अपसेट हूं क्योंकि, मैं टेंशन में हूं क्योंकि। तो हमेशा उंगली किस तरफ, हमेशा उंगली किस तरफ है कि मैं ऐसा हूं क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। अब जैसे ही हम कहते हैं मैं ऐसा हूं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है, तो नेक्स्ट लाइन ये हो जाती है वो ठीक हो जाएंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और फिर सारा पुरुषार्थ चलता है उनको ठीक करने का। और जितना हम उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं और वो बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उतना हमारा गुस्सा और बढ़ता जाता है। और थोड़े टाइम में वो तो बदलते नहीं, हम बदल जाते हैं। आज कितने महसूस करते हैं कि दिन ब दिन मेरा गुस्सा थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। लगता है? ऐसा नहीं लगता? कई बार लगता है कि मैं बिना बात के इस बात पे इरिटेट हो गया, बात कोई उतनी बात तो थी नहीं, ऐसे ही इरिटेट हो गया। लेकिन उस टाइम वो हो जाता है। क्यों हो गया? कर करके वो बन गया हमारा संस्कार। राजयोग हमें मदद करता है संस्कार परिवर्तन। हमें अपने संस्कार को बदलना है। संस्कार को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुशी हमारा ओरिजिनल संस्कार है, लेकिन कई बार करने के बाद
इरिटेशन या गुस्सा हमारा संस्कार बन गया है. अभी इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना होगा? क्या करना होगा? ये जो इरिटेशन का संस्कार या गुस्से का संस्कार, ये बना कैसे? एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, दस बार किया, बन गया. और एक बार संस्कार बन गया, उसके बाद उसके ऊपर सोचना नहीं पड़ता. अब हम कहते हैं हम गुस्सा करते थोड़ी, हम गुस्सा तो अपने आप आ जाता है. मतलब वो कॉन्शियस मोड से हटकर अब ऑटोमेटिक वाले मोड में चला गया है, क्योंकि अब वो बन गया हमारा संस्कार. अब हमें एक नया संस्कार क्रिएट करना है, और वो है कि बात आएगी, लोग अलग अलग तरह से व्यवहार करेंगे, करने ही वाले हैं, करने ही वाले हैं, उसमें कोई चॉइस नहीं. अब मैं प्रैक्टिस करूंगा कि बात आएगी, कोई कुछ कहेगा, कोई कहना मानेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई काम बिल्कुल गलत कर देगा. अब हम प्रैक्टिस करेंगे कि उनका वो कर्म, उनका वो एक्ट, उनका वो शब्द मेरे मन पर प्रभाव नहीं डालेगा. मतलब अपने मन को उनके संस्कार के प्रभाव से बाहर निकालना है. इतना ही करना है ना सिर्फ. और स्पेशली जो लोग हमारे नजदीक के हैं, उनके संस्कार हमें मोस्टली पता होते हैं. आपको पता है अपने आसपास के लोगों के संस्कार? पता है नहीं पता है? लेट्स से सिंपल छोटी सी बात देखना कि आप सारा दिन का काम करके घर पहुंचते हैं शाम को, और शाम को भी क्या, रात को पहुंचते हैं आजकल तो. और फिर आपकी वाइफ ने सारा दिन घर को इतना साफ रखा, स्वच्छ रखा, हर चीज जगह पे रखी. आप घर पहुंचे, स्टेथोस्कोप यहां, ब्रीफकेस वहां, जूते उतारे वहां, नहाए धोए टॉवल फेंका वहां, कपड़े उतारे दूसरी तरफ फेंकते हैं. अब इस बात पर क्या होता है, छोटा सा आर्ग्यूमेंट होता है. ये कितने दिन से हो रहा है, ये आर्ग्यूमेंट कितने दिन से हो रहा है, कितने दिन से हो रहा है? जितनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो गई उतने दिन से है ना. अब इसको हम कहेंगे टिपिकल पैटर्न. ये एक टिपिकल पैटर्न है हमें, जो हमें एक दूसरे का मालूम है. जबकि हमें टिपिकल पैटर्न मालूम है, फिर क्या हमें उसको रिपीटेड पैटर्न में वही व्यवहार रोज रिपीट करना चाहिए? आज अगर हम एक दिन डिसाइड कर लें, सिर्फ एक थॉट है, ये कुछ भी नहीं, और ये छोटी छोटी बातें, ये बड़ी वाली नहीं है. ये टिपिकल पैटर्न्स वाली जो बातें होती हैं, ये छोटी छोटी होती हैं, एकदम इनसिग्निफिकेंट. लेकिन इन इनसिग्निफिकेंट बातों में आत्मा की शक्ति कम हो रही है. कभी भी बड़ी बात फेस करने की ताकत नहीं आ सकती है. ताकत कहां बचानी पड़ेगी, ताकत कहां बचानी पड़ेगी? वो छोटी 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 बातों में, जहां हम बिना बात के इरिटेट होते हैं, बिना बात के रिएक्ट कर रहे हैं. अब ये जो रिपीटेड पैटर्न है, आज अगर हम एक बार डिसाइड कर लें, सिर्फ आज से, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बात के ऊपर हम रिएक्ट नहीं करेंगे. हो सकता है बाकी बातें नहीं, सिर्फ इस एक बात पर, कोई भी एक बात जो आपके साथ टिपिकली होती है वेरी ऑफन, अगर आज आप डिसाइड करो इस बात पर मैं आज से रिएक्ट नहीं करूंगा, हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो पाएगा, या उस टाइम फिर निकल आएगा अपने आप? हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है. फिर आज हम छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे. जब हम रूम में जाएंगे, आप अपनी नोटबुक के अंदर यहां से जाने से पहले इस स्थान के जादू का फायदा उठाना चाहिए. वैसे ही सब लोग बोलते हैं वहां जाने से जादू लग जाता है, तो वो जादू का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए. जादू मतलब क्या, मन की स्थिति एकदम क्या हो जाती है, एक अलग ही स्थिति बन जाती है. तो उस स्थिति का फायदा उठाकर आज क्या करेंगे, एक छोटी सी लिस्ट बनाएंगे
कौन सी वो टिपिकल बातें हैं जिसपे मैं इरिटेट होता हूँ। जैसे सपोज घर में जो बहन सफाई करती है, जिस दिन वो नहीं आती उस दिन हम इरिटेट होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं। और हर महीने उसने कम से कम नहीं तो दो तीन छुट्टी तो करनी करनी है, लेकिन हमारा भाग्य ऑलरेडी बना हुआ है कि जिस दो तीन दिन वो छुट्टी करेगी उस दो तीन दिन हम इरिटेट होंगे ही होंगे। क्यों? हमने लिबर्टी दी हुई है अपने आप को इरिटेट होने के। हाँ जी, हाँ। तो अगर वो मेड बता के चली जाएगी तो हम इरिटेट नहीं होंगे, मतलब हु नीड्स टू चेंज, मतलब हु नीड्स टू चेंज। फिर जब वो कल आएगी तो हम उसको बोलेंगे, हम उसको पहले छोटा मोटा डांट देंगे, फिर हम उसको कहेंगे अगर तुम बता के जाओ तो मैं गुस्सा नहीं करूंगी कभी भी। तो हमारा गुस्सा किस पर डिपेंडेंट है? हमारा गुस्सा किस पर डिपेंडेंट है? उसके व्यवहार पर। और आपको लगता है कि हमेशा जब वो बताएगी तो आप छुट्टी दे देंगे? बताने से लोगों को छुट्टी मिलती नहीं है, ये संस्कार सीखने के बाद उन्होंने बताना बंद किया है, ऐसे नहीं बंद कर दिया था। आपके बच्चे आपसे कितनी सारी चीजें छुपाते हैं, छुपाते नहीं छुपाते, छुपाते हैं? पहले सब कुछ बताते थे, पहले सब कुछ बताते थे, लेकिन जब बताया तो क्या मिला उनको? तो फिर उन्होंने कहा ठीक है हम बताएं भी, फिर ये डांटे, फिर हम बताएं, फिर ये डांटे, सिंपल हम बताएंगे नहीं। तो इसलिए हर एक दूसरे के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेता है। सपोज आपके क्लिनिक में या जहां आप काम करते हैं किसी को छुट्टी चाहिए और वो आपको आकर कहे कि सर मैं कल क्रिकेट मैच देखने जा रहा हूं इसलिए मेरे को छुट्टी चाहिए, आप छुट्टी देंगे? नहीं देंगे, उसको मालूम है। तो कहेगा सर वो मेरे घर में वो बीमार है, मुझे उसको उधर लेके जाना है, वो लेके जाना है, प्लीज मेरे को आज छुट्टी चाहिए। आप कहेंगे हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप उसका ध्यान रखो, काम हो गया। क्यों सच बताए हमें कोई? क्यों सच बताए? लोगों को हमें सच बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? लोगों को सच बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? बताओ, थोड़ा सा हाथ उठाओ, किस किस को सच सुनना है? सच सुनने के साथ साथ एक जिम्मेवारी होती है। आप कल जाकर अपने आसपास सभी को बोल दो कि मुझे सच बोलो और मैं पक्का बोलता हूं इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ऊपर से कोई आपसे कोई बात नहीं छुपाएगा। हमारे पास एक प्रोग्राम था दिल्ली में, तो यही बात छोटे बच्चों के लिए डिस्कस हो रही थी। तो एक बहन ने क्या किया, वो अपनी नोटबुक में नोट्स बनाई थी ये बात की कि बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, फिर वो झूठ बोलते हैं। पूरा दिन बीत गया, अगले दिन सुबह वो फिर आना था सेशन में, तो उसने नोटबुक खोली तो वो वाली लाइन अंडरलाइन हुई हुई थी। वो कहती है ये लाइन मैंने लिखी थी लेकिन मैंने उसको पेन से अंडरलाइन तो नहीं किया था। फिर उसको पता चला उसके 11 साल के बेटे ने उस लाइन को अंडरलाइन किया था उसके लिए। और फिर ये रियल है। और फिर उस बहन ने उसको पूछा कि तुम मेरे से कुछ छुपा रहे हो क्या, तो बताओ, मैं पक्का बोलती हूँ मैं गुस्सा नहीं करूंगी। वो कहता है नहीं मेरे को मालूम है, अभी ऐसे पूछोगे और फिर बाद में जब मैं बता दूंगा तो फिर गुस्सा करोगे। तो बहन ने कहा नहीं मुझे अभी समझ में आ गया कि उससे मेरा डैमेज हो रहा है। तो उसने कहा मैं पक्का गुस्सा नहीं करूंगी। उस 11 साल के बच्चे ने उस दिन उसको 6 महीने के यूनिट टेस्ट के मार्क्स बताए जिसमें उसके मार्क्स ठीक नहीं आए थे, लेकिन कहता है मैं बता नहीं सकता था ये बात। डैमेज किस किस का हुआ, डैमेज किस किस का हुआ? हमारा, उनका और हमारे बीच के रिश्ते का जो हर रोज झूठ के ऊपर खड़ा हो रहा है। कोई भी चीज हर रोज जब झूठ पर खड़ी होगी तो उसकी फाउंडेशन क्या हो जाएगी, उस रिश्ते की फाउंडेशन क्या हो जाएगी? फिर एक हवा का झोंका और गया रिश्ता टक लाइक दिस, क्योंकि वो हर रोज झूठ पर खड़ा होता है रिश्ता। लोग सच बोलने के लिए तैयार हैं, बच्चे हर बात सच बोलने के लिए तैयार बैठे हैं, आप सच सुनने के लिए तैयार बैठे हैं तो बता दो।
रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। और कभी भी कोई आपसे झूठ बोले और आपको पता चले कि किसी ने झूठ बोला है, तो चेकिंग उसकी नहीं, चेकिंग अपनी करनी चाहिए कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी बात है जिस वजह से ये आकर मुझे सच नहीं बता पाए। लेकिन हम उनको डबल गुस्सा कर देंगे, एक तो गलती करते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, और फिर डबल गुस्सा, एंड विच मीन्स कि अगली बार वो फिर से झूठ बोलेंगे। कभी भी चेकिंग सामने वाले की नहीं करनी है, चेकिंग किसकी करनी है? अपनी। अगर हमारा अपनी इमोशंस पर संयम है, कंट्रोल है, हम बात को सुनेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, हर एक हमें पूरी सच बताएगा आकर। आप कभी किसी से झूठ बोला है? आपने कभी किसी से झूठ बोला है? बोला है। और हमेशा झूठ बोलने का कारण क्या था? कि सच सुनने के बाद उनको अच्छा नहीं लगेगा, या तो उनको गुस्सा आ जाएगा या किसी केस में वो उदास हो जाएंगे। तो हम कहते हैं उनके फायदे के लिए हम सच नहीं बोल रहे हैं। तो जो भी झूठ बोलता है वो अपने लिए नहीं, वो उनको देखकर फिर झूठ बोलता है। झूठ बोलने के बाद अच्छा कितना लगता है? झूठ बोलने के बाद अच्छा कितना लगता है? नहीं, सारा दिन वो बात अंदर खाती रहती है। क्यों? क्योंकि डर में चलना पड़ता है, क्योंकि जहां झूठ है तो साथ में एक डर पक्का है कि कभी ना कभी ये बात तो आएगी। तो रिश्ते क्या हो जाएंगे? रिश्ते क्या हो जाएंगे? झूठ, क्रोध और डर की फाउंडेशन पर खड़ा रिश्ता। और वो भी कौन सा रिश्ता? ज्यादातर एक पेरेंट और एक बच्चे का रिश्ता। रिजल्ट, आप में से कौन कौन कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि आपका बच्चा आपको, स्पेशली अगर इस एज वाले हैं, आपके बच्चे आपको हर बात आकर बताते हैं? एक बार हम एक स्कूल में अभी रिसेंटली प्रोग्राम कर रहे थे, 250 बच्चे थे 10th से 12th स्टैंडर्ड के। हमने उनको पूछा आप में से कौन कौन अपने पेरेंट्स को हर बात बताते हैं? 5 हाथ, 5 हाथ, 250 में से 5। फिर उनको बताया कि जाकर बताओ और उनसे पहले बात करना कि हम आपको सच बताना चाहते हैं, आप प्लीज गुस्सा नहीं करना, हमारा मन है आपको सारा कुछ बताने के लिए। एक बच्चे के ऊपर बहुत बोझ होता है जब उसको चीज छुपानी पड़ती है, और हमारे बच्चे अननेसेसरली ये बोझ को लेकर चलते हैं रोज, और बहुत सारी बातें हैं उनके पास छुपाने के लिए, छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी भी बातें हैं। तो हमने उनको कहा कि आज जाकर बताना और फिर खत्म करना। कहते ऐसे ही वो पहले कहेंगे हाँ ठीक है हम गुस्सा नहीं करेंगे, और हो सकता है उस टाइम ना भी करें, लेकिन हमने बता दिया एक बार, फिर तो उसके बाद रोज। ट्रस्ट की कमी। फिर हम कह रहे हैं रिश्तों में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम रिश्तों में नहीं है, प्रॉब्लम रिश्तों में नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम हमारे सोचने के तरीके में है कि उन्होंने ऐसा किया तो डांटना तो है ही, तो उस टाइम डांट के हम उनको अपने से इतना दूर कर देते हैं कि फिर हम उस रिश्ते को झूठ, डर और अविश्वास पर खड़ा कर देते हैं। लेकिन हम सोचते हैं हमें उनको डांटना है उनको सुधारने के लिए। फिर हमारी डांट सुनते सुनते धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो हमें बताना बंद कर देते हैं। हमें लगता है हमने उनको डांटा तो उन्होंने करना बंद कर दिया। ऐसे करते हैं ना, मैंने उसको डांटा वो सुधर गया, उसने करना बंद कर दिया। उन्होंने करना बंद नहीं किया होता, उन्होंने क्या करना बंद कर दिया? बताना बंद कर दिया। और हम खुशफहमी में हैं कि वो सुधर गए हैं। उल्टा ऐसे केस में फिर बच्चा और अनप्रोटेक्टेड हो जाता है। हमारे पास कितनी 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 ईमेल्स आती हैं सिर्फ बच्चों की, और वो अपनी ऐसी ऐसी बातें बताते हैं और नीचे लास्ट लाइन लिखते हैं ये बात हमारे पेरेंट्स को नहीं पता चलने चाहिए।
लेकिन वो ईमेल पढ़कर स्पष्ट दिखाई देता है कि इस समय इनके पेरेंट्स के अलावा इनकी हीलिंग कोई नहीं कर सकेगा, लेकिन वो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बताने के बाद वो वाली प्रॉब्लम तो वहीं रह जाती है और एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, रोज की डांट, रोज के ताने, रोज का गुस्सा। तो बच्चा उस प्रॉब्लम को फेस करे या रोज की डांट और तानों को फेस करे, पहले ही उसके अंदर ताकत नहीं थी इसलिए गलती हुई, और रोज डांटने के बाद हम उसकी ताकत को और भी कम कर देते हैं। तो इसलिए चाहे वो सफाई करने वाली बहन हो, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हो, और चाहे वो हमारे बच्चे हो, अगर उन्हें सच बोलना है, उसकी जिम्मेवारी उन पर नहीं हम पर है। वापस जाने के बाद यहां से अगर ये एक चीज पक्की करें, वो सच बोलेंगे, हम रिएक्ट नहीं करेंगे, आप देखना सारी चीजें चेंज हो जाएंगे। लेकिन फिर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर, क्योंकि अगर फिर एक बार भी रिएक्ट किया तो उनका विश्वास और भी टूट जाता है। फिर उसके बाद वो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। झूठ बोलकर चलते रहना यही ठीक चलता है फिर लोगों के साथ, कि हम झूठ बोलेंगे उनको पता नहीं चलेगा, बीत रहा है एक दिन ऐसे। सच बोलना हिम्मत है, सच सुनना और भी हिम्मत है, और फिर सुनने के बाद रिएक्ट नहीं करना वो सबसे ज्यादा हिम्मत है। तो वो हिम्मत है तो रिश्ते कैसे हो जाएंगे सिंपल। लेकिन वो इतनी बड़ी बात, सपोज कोई बच्चा हमें बहुत बड़ी बात अपनी बता दे और उस समय हम स्टेबल रहें, रिएक्ट नहीं करें, वो तभी होगा अगर हम सारा दिन की छोटी छोटी बातों में नहीं किया होगा। जब छोटी छोटी बातों में इतना रिएक्ट कर देते हैं तो फिर बड़ी बात सुनने के बाद क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अक्यूमुलेट छोटी छोटी बातों में हुआ था। तो सारा दिन में एक अटेंशन रखना है सिर्फ, जो कुछ भी बाहर हो रहा है, जो कुछ कोई कर रहा है वो बाहर है, वो एक्सटर्नल है, और इस एक्सटर्नल परिस्थिति के सामने जो यहां पर चलना शुरू होता है वो किसकी चॉइस है। परिस्थिति यहां पर है, वो बहन काम पर नहीं आई, वो बाहर परिस्थिति है, उसके काम पर न आने से यहां जो सोच चलने शुरू होती है वो किसकी चॉइस है, वो हमारी चॉइस है या वो उसकी वजह से है या वो दोनों की वजह से है। तीन ऑप्शन, ये जो हम सोच रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, चाहे इरिटेशन है, चाहे हर्ट है, टेंशन है, ये हमारी जिम्मेवारी है, उनकी वजह से है या दोनों जिम्मेवार हैं। अच्छा, कौन कौन कहता है उनकी वजह से हमें वो आता है गुस्सा, कोई भी नहीं। अच्छा, दोनों की वजह से, 1, 2, 3, 4, 5, और हमारी वजह से। और अगर हमारे पास चॉइस है और हमारी वजह से है तो फिर हम वो वाली चॉइस क्यों यूज कर रहे हैं जिसमें हमारा भी डैमेज, उनका भी डैमेज और रिश्ते का भी डैमेज क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं हमारे पास चॉइस है, लेकिन उस समय हम चॉइस को यूज नहीं करते हैं, हम ऑटोमेटिक रिएक्ट कर जाते हैं। हमेशा हमें सिखाया जाता था सोच कर समझ कर फिर करना है। हम आजकल क्या करते हैं, कर देते हैं, फिर समझ में आता है पहले कि गड़बड़ हो गई, फिर उसके बाद काफी दिन तक उसके ऊपर सोचते रहते हैं, और फिर हम कहते हैं टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है, जिस चीज के ऊपर पहले 10 सेकंड सोचना था, समझना था और फिर करना था, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, पहले किया फिर समझ में आया फिर सोचा, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब सोचा तो कितनी देर सोचा, कोई बात होती है तो कितनी देर सोच चलती है उसकी, और इसीलिए टाइम नहीं है। टाइम मैनेजमेंट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एक्चुअली,
There is no such thing as time management. We all know how to do time management. लेकिन वो सारा टाइम मैनेजमेंट कोलैप्स क्यों हो जाता है जब माइंड में कुछ चलना शुरू हो जाता है. 9 to 10 एक मीटिंग, 10 to 11 दूसरी मीटिंग, लेकिन 9 to 10 की मीटिंग में किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो मन पर चलना शुरू हुआ तो उसका प्रभाव 10 to 11 पर पड़ जाएगा, काम स्लो डाउन हो जाएगा. सो ध्यान टाइम मैनेजमेंट पर नहीं रखना है, ध्यान किस पर रखना है, किस पर रखना है, थॉट मैनेजमेंट पर. यहां आने से पहले इस हफ्ते के अंदर किसी को गुस्सा आया एक बार भी? हाथ उठाओ. सीन याद है, क्यों गुस्सा आया था याद है? याद है? एक मिनट आंख बंद करो हर एक. और लास्ट जब गुस्सा आया था उस सीन को सामने लेकर आ जाओ. एवरीवन, इसमें औरों से नहीं डिस्कस करना, खुद को देखना है. आपको बताना नहीं है, शेयर नहीं करना है, ये अपने लिए एक्सरसाइज करनी है. वो सीन को सामने लेकर आए, परिस्थिति क्या थी, किसने क्या किया था, वो सब कुछ सामने लेकर आ जाओ. और हमने उस टाइम कैसे व्यवहार किया था उसको देख लो. अब अगर हमें चॉइस मिले वही वाले सीन को फिर से करने की, तो क्या हम अपने जो रोल था उसको थोड़ा सा अलग तरह से प्ले कर सकते हैं? उसको देखो और देखो अपने आप को करते हुए उसको कैसे करेंगे. बाकी सब लोग सेम रहेंगे, गलती सेम होगी, बात सेम होगी, सिर्फ अपने को देखना है कि मुझे अगर चॉइस मिले फिर से उस सीन को करने की तो हम क्या चेंज लेकर आएंगे उसमें. ओके, किस किस को लगता है कि अगर हम फिर से उस सीन को करें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता था? क्या डिफरेंस होगा उसके अंदर? आप अपने आप को क्या डिफरेंटली करते हुए देख सकते हैं? एनीवन, क्या डिफरेंट होगा? हाँ जी, नजरिया डिफरेंट होगा तो क्या डिफरेंट होगा? क्या डिफरेंट करेंगे आप? उसकी जगह क्या होगा? हाँ, क्या करेंगे डिफरेंट? आप अपने आप को क्या करते हुए देख सकते हैं उस सीन के अंदर? हाँ, ना करें तो क्या करें? क्या ना करें नहीं इंपॉर्टेंट है, क्या करें? चुप रहेंगे. ओके, वन. और प्यार से समझाएंगे और नम्रता से बात करेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे और उसको गलती महसूस करवाएंगे और एक्सपेक्टेशन कम करेंगे और लेट गो कर देंगे और स्वीकार करेंगे उसको और क्या करेंगे? आपका बात करने का तरीका कैसा होगा? आपका बात करने का तरीका कैसा होगा? चेंज हो सकता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा. चेहरा कैसा लग रहा है उस टाइम पे? पहले गुस्से का था, अब शांत हो गया. अब बात वही, गलती वही, परिस्थिति वही. क्या आप ये सेकंड वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? अटेंशन किस पर? अटेंशन किस पर? अपने ऊपर. यहां जब हम बैठे हैं तो हम अटेंशन अपने आप पर रख रहे थे, तो हमें ऑप्शंस दिखाई दे रहे थे. लेकिन जब हम वहां पर होते हैं तो हम अटेंशन किस पर रख रहे होते हैं? आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आपको ऐसे बोलना चाहिए था,
फिर वो थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो हम कहेंगे ये कोई बात करने का तरीका है, कम से कम अपने वॉल्यूम को तो थोड़ा कम करो, और उतनी देर में हमारा बढ़ जाता है। खुश रहने का एक ही सलूशन है, अटेंशन उस समय दूसरों पर नहीं। अटेंशन किस पर? अटेंशन किस पर उस टाइम? अटेंशन अपने ऊपर। ये बात हो गई है, ये परिस्थिति आई है, वो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अब मुझे कैसा सोचना है, करना है, बोलना है, ताकि उसमें मेरा भी फायदा और उस पूरे सीन का, परिस्थिति का और उन लोगों का फायदा। अगर सारा दिन में थोड़ा सा भी ये सब हो जाए तो रात को बैठकर 5 मिनट अपने साथ जरूर बैठना चाहिए, और अपने आप के साथ बैठकर वो परिस्थिति को नहीं रिवाइज करना, उनकी गलतियों को भी नहीं रिवाइज करना, लेकिन अपने आप को रिवाइज करना कि यही सीन आए तो हम कैसे बिहेव करेंगे। और जैसे ही हम वैसा करते जाएंगे वो रिकॉर्डिंग हमारी मेमोरी में होती जाएगी। कोई बात नहीं, तो जैसे ही वो रिकॉर्डिंग हमारे अंदर होती जाएगी वो सीन सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाएगा। अब जैसे ही वो सीन सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया, नेक्स्ट टाइम कोई परिस्थिति आएगी, वो जो प्रोग्रामिंग की हुई है वहां से उस तरह का रिस्पॉन्स निकल कर आएगा। अगर हमने प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं किया, पिछली बार परिस्थिति आई, हमने गुस्सा किया, वो सीन रिकॉर्ड हो गया, फिर अगली बार परिस्थिति आई, फिर हम रिएक्ट किए, वो सीन रिकॉर्ड हो गया। अब हर बार जब परिस्थिति आएगी तो वो जो सीन रिकॉर्डेड है वो ही निकल कर आएगा। हमें थोड़ा सा समय निकाल कर उस रिकॉर्डिंग के ऊपर एक नई रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। इसको कहेंगे रियलाइजेशन। किसी ने कहा था कि गिल्ट होता है, जब हमारे से कोई गलती हो जाती है तो गिल्ट होता है। गिल्ट किस किस को होता है? यहां पे गिल्ट होना चाहिए, गिल्ट होना चाहिए, गलती हो गई हमारे से, छोटी सी गलती या बहुत बड़ा पाप भी हो सकता है, गिल्ट होना चाहिए। गिल्ट मतलब कौन सी क्वालिटी की थॉट्स? गिल्ट मतलब कौन सी क्वालिटी की थॉट्स? मैंने ऐसा कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया मैंने, इतनी बड़ी गलती मेरे से हो गई, मैं तो कोई काम का नहीं हूं, मेरे से कुछ ठीक होता ही नहीं है, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छा ही नहीं हूं, बाकी किसी ने नहीं किया, ये मेरे से ही हो गया। चलता गया, और ये कितनी देर चलती है फिर ऐसी थॉट्स? कितनी देर चल सकते हैं ऐसी वाली थॉट्स? और जितनी देर ऐसी वाली थॉट चल रही है, आत्मारूपी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अगर आत्मारूपी बैटरी डिस्चार्ज होती गई और अगर वो सीन फिर से आ गया, अब इस बार हम क्या करेंगे? ठीक कर लेंगे उसको, इस बार हम ठीक कर लेंगे उसको, इस बार गलती और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि तब में और अब में बैटरी और डिस्चार्ज हो गई है। गिल्ट और रियलाइजेशन दो अलग अलग चीज है। जैसे औरों पर गुस्सा करना डैमेजिंग है, तो गिल्ट मतलब अपने ऊपर गुस्सा करना, खुद पर गुस्सा करते जाना। अब औरों को गुस्सा तो फिर भी थोड़ी देर के लिए करेंगे, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, लेकिन जब गिल्ट होता है तो अपने को कितनी देर गुस्सा करते हैं? कितनी देर गुस्सा करते हैं? 24 घंटा करते जाते हैं, क्योंकि हम अपने साथ ही जीते हैं ना। हाँ जी, वो फिक्स हो जाता है, वो कांस्टेंट हम मारते जाते हैं अपने आप को वो थॉट्स लेकर। और जब हम गुस्सा करते हैं तो जिसको हम गुस्सा करते हैं वो हमें फिर भी रेजिस्ट करता है, हम उसको डांटते हैं, वो कहेगा नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, तो उसके ऊपर वो गुस्से का इतना इफेक्ट कम होता है। लेकिन जब हम अपने को गुस्सा करते हैं तो हम रेजिस्ट नहीं करते, हम कहते हैं हाँ गलती थी मेरी ना, तो वो गुस्से का डैमेज और ज्यादा होता है। इसलिए कभी भी, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, गिल्ट नहीं।
guilt nahi. It is waste of time, waste of energy. Realization. Mere se ye galti ho gayi. It is past. Wo already ho chuki. Past. Full stop. अपने आप को देखना है और फिर एक नई प्रोग्रामिंग कि अब इस बार मैं कैसे करूंगा. रियलाइजेशन. गिल्ट मतलब ये हो गया मतलब पास्ट का चिंतन विच इज वेस्ट ऑफ टाइम. एंड रियलाइजेशन मीन्स प्रेपरेशन फॉर व्हाट इज गोइंग टू कम, नॉट थिंकिंग अबाउट व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड. तो गिल्ट हमारी खुशी को क्या करेगा? गिल्ट हमारी खुशी को क्या कर देगा? हमारी खुशी को डिप्लीट करता जाएगा. खुशी हमें चाहिए नहीं होती, खुशी ऑलरेडी है, खुशी कांस्टेंट है. कल सुबह हमने देखा आत्मा की ओरिजिनल प्रॉपर्टी ही क्या है, ओरिजिनल संस्कार ही क्या है, ब्लिस, आनंद. तो फिर चाहिए नहीं. लेकिन जब ये छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं तो वो जो आनंद है वो डिसअपियर हो जाता है. जैसे हेल्थ है, हेल्थ चाहिए नहीं होती है, हेल्थ है, लेकिन हेल्थ का ध्यान नहीं रखते तो डिजीज आती है. इसी तरह खुशी है, खुशी का ध्यान नहीं रखा तो वन ऑफ दीज अदर बीमारियां ये क्रिएट हो जाती हैं. तो एक है गिल्ट, दूसरा है एंगर. क्या हम गुस्सा करे बिना काम कर सकते हैं और करवा सकते हैं? यस और नो? कौन कौन फील करता है कि हम अपने घर में और हमारे काम के क्षेत्र में बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं क्रोध करे बिना काम कर और करवा सकते हैं? प्रैक्टिस तो ठीक है, बट पहले विल इट वर्क? कहीं ऐसा तो नहीं लोग बिगड़ जाएंगे, काम नहीं होगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे? क्योंकि ये क्लैरिटी बहुत चाहिए कि हमें गुस्सा चाहिए या नहीं चाहिए. जैसे आप देखो घर में कुछ कुछ सामान पड़ा होता है जो पूरा साल यूज नहीं होता ज्यादा. दिवाली की सफाई के टाइम उसको खोलते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर सोचते हैं रखें या फेंक दें. फिर मन कहता है रख लेते ना, क्या पता कब काम आ जाए, फिर अंदर रख देते हैं उसको. और ऐसे रखते रखते उसको कितने साल हम रख सकते हैं? फेंकने में कितना टाइम लगेगा? फेंकने में टाइम नहीं लगता गुस्से को, लेकिन इंपॉर्टेंट है डिसीशन कि क्या गुस्सा मेरे काम की चीज है और आई नीड टू थ्रो इट अवे. क्योंकि जैसे ही मन ने कहा कि कभी कभी तो चाहिए होता है तो फिर वो हमारे पास वापस बैठ जाता है. और एक बार वो बैठ गया तो फिर वो जबी जबी बीच बीच में उठ जाता है, फिर वो कभी कभी नहीं होता. ऑन एन एवरेज हम में से मेजोरिटी कम से कम दिन में एक बार गुस्सा करना शुरू कर चुके हैं. कर रहे हैं नहीं कर रहे? यस. एंड डैमेजिंग है. और एक बार करते करते क्या बनता जाएगा? पैटर्न रिपीट होता जाएगा. तो ये अपने आप के साथ डिसाइड करना पड़ता है कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए. अगर खुशी चाहिए तो फिर गुस्सा नहीं कर सकते, अगर गुस्सा करना है तो फिर खुशी नहीं मांग सकते. दोनों में से एक ही चीज. नो वन कैन से मैं बीमार रहूंगा लेकिन मुझे सेहत चाहिए. इट्स नॉट पॉसिबल. आप कहेंगे दोनों में से एक चीज चूज करो, बीमार रहना या सेहत चाहिए. जो चाहिए वो हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? क्लैरिटी. तो हर रोज सुबह अपने आप के साथ ये तैयारी करनी पड़ती है कि आज सारा दिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं सबके साथ कैसा रहूंगा? स्टेबल, इन कंट्रोल. क्योंकि भले बात कुछ भी हो, परिस्थिति यहां जो चलने वाला है वो मेरी चॉइस है. मेरे पास चॉइस है. और हम कौन सी चॉइस कर रहे हैं आज? शांति, पावर, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस.
हर रोज अगर अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करेंगे और सारा दिन में एक एक मिनट बीच में निकालें, आपने यहां सारा दिन में देखा हर एक घंटे के बाद एक मिनट का गीत बजता है, किस किस ने नोटिस किया हर एक घंटे के बाद एक मिनट का गीत बजता है? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स। अब ये तो हम आश्रम में हैं, तो यहां बज रहा है, लेकिन हम सब जहां भी होते हैं हम इस मेथड को यूज करते हैं, क्योंकि हमने देख लिया है कि यह मेथड बहुत कमाल के रिजल्ट लेकर आता है। हम चाहे ऑफिस में हो, चाहे क्लिनिक में हो, कहां भी हो, और कुछ नहीं तो अपने मोबाइल के ऊपर हर एक घंटे का म्यूजिक बजा देते हैं, हर एक घंटे के बाद एक मिनट वो बजेगा। जैसे ही वो हर एक घंटे के बाद एक मिनट के लिए बजता है, मन को टाइम मिल जाता है अपने आप को चेक करो। अगर थोड़ा सा भी कुछ क्रिएट होना शुरू हो गया है तो उसको चेक करके चेंज करो और अपने आप को रिमाइंड करें कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं एक शक्तिशाली शांत स्वरूप आत्मा हूं, मुझे खुशी अच्छी लगती है। खुशी चाहिए नहीं, खुशी है और मुझे अच्छी लगती है, तो मैं उसको ये छोटी मोटी बातों में गंवाने वाला नहीं हूं। अगर हर एक घंटे के बाद माइंड को ये याद दिलाया तो चाहे कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। सुबह 5 मिनट करेंगे और हर एक घंटे के बाद एक एक मिनट करते रहेंगे तो सारा दिन माइंड कैसे रहेगा? हर एक घंटे के बाद एक मिनट करना मतलब क्या? कोई दाग पड़ा और दाग को क्या कर दिया? साफ कर दिया। दाग डला, दाग को साफ कर दिया। किसी ने कोई बात कही, उसको समझा, साफ कर दिया। तो यहां पे कुछ पकड़ेंगे नहीं। हम में से किस किस ने कुछ कुछ बातें पकड़ कर रखे हुए हैं? जब किसी ने हमें क्या किया था, लोग हमें क्या करते हैं? हर्ट करते हैं। और क्योंकि लोगों ने हमें हर्ट किया, हमने उस बात को क्या कर लिया? पकड़ के रखा। अब किया उन्होंने, पकड़ा किसने? हमने। दर्द किसको हो रहा है? दर्द किसको हो रहा है पकड़ने से? हमको। कोई फायदा? कम से कम जिसकी गलती हुई थी उसको दर्द होना चाहिए ना। हम तो किसको दर्द दे रहे हैं? हम किसको दर्द दे रहे हैं? हम अपने आप को दे रहे हैं। छोड़े उस बात को, उस बात को छोड़े, छोड़े नहीं छोड़े, छोड़ सकते हैं या नहीं सकते हैं इज नॉट डिफिकल्ट। इंपॉर्टेंट है छोड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ऐसे तो नहीं हम छोड़ देंगे तो वो फिर से कर देंगे। हम सारा दिन ज्यादातर किसके बारे में सोच रहे होते हैं? हम छोड़ देंगे तो वो दोबारा करेंगे। अगर उन्होंने दोबारा करना है वो वैसे भी करने वाले हैं, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हम छोड़ देंगे तो कम से कम जब वो दोबारा करेंगे तो हमारे पास सामना करने की ताकत तो होगी, पहले से ही बोझ लेकर खड़े होंगे। और अगर किसी ने दोबारा कर दिया और उन्होंने नहीं किया, किसी और ने कर दिया कुछ, तो उसको सामना करने की शक्ति कहाँ है? हम तो इतनी सारी बातें पकड़ कर रखे हुए हैं। क्षमा करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी पड़ती है, उन्होंने गलत किया। हो सकता है हमारे दृष्टिकोण से गलत, उनके दृष्टिकोण से तो वो सही होते हैं। उन्होंने अगर गलत किया, धोखा दिया, मेरा नुकसान भी कर दिया, वो उन्होंने किया बाहर एक्सटर्नल। जो दर्द अंदर हो रहा है वो किसने क्रिएट किया? जो दर्द अंदर हो रहा है वो किसने क्रिएट किया? वो मैंने क्रिएट किया। और दर्द मतलब क्या? उसी बात को बार बार सोचते जाना, सोचते जाना। इवन ए सिंपल चीज लाइक सपोज कोई आए सुबह सुबह आपको कह दे आपका काम बिल्कुल ठीक नहीं है, कैसे काम करते हो आप, बाकियों को देखो कैसा अच्छा काम करते हैं, अपने काम को देखा आपने? बस 30 सेकंड की लाइन। उन्होंने कितनी देर में बोली? उन्होंने कितनी देर में बोली? 30 सेकंड्स। अब हम कितनी देर बोलते हैं अपने आप को? हम कितनी देर बोलते हैं अपने आप को? बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। और फिर सिर्फ अपने आप को नहीं बोलते, जो मिलता है, जो मिलता है
उसके साथ भी शेयर करते हैं, पता है उन्होंने मुझे क्या बोला, पता है उन्होंने मुझे क्या बोला। जितनी बार हम ये करते जा रहे हैं, हम उस दर्द को क्या कर रहे हैं, हम उस चोट को खुरेदते जाते हैं, खुरेदते जाते हैं, खुरेदते जाते हैं। लगाना क्या था, लगाना क्या था, बैंडेड लगाना था। थोड़ा सा बैंडेड लगाते भी हैं तो कोई मिलता है तो बैंडेड उतार के उसको फिर खुरेदना शुरू कर देते हैं, और फिर सिर्फ अपना नहीं खुरेदते, फिर वो सामने वाला अपने भी पुराने लगे हुए बैंडेड उतार के कहता है मेरे को भी किया था, मेरे को भी किया था ऐसा, वो है ही ऐसे। एंड वेरी सून वो सारा दर्द वापस एक्टिवेट हो जाता है, और जितनी बार वो एक्टिवेट होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, वो पेन का मैग्नीट्यूड, पेन का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है। जितना पेन का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, आत्मा की ताकत कम होती जाएगी। हर स्टेप पर हम ये छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं जिससे आत्मा की ताकत कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। उन्होंने कहा, सही कहा गलत, उन्होंने कहा, उनके पास कोई रीजन था। अब मैं उस बात के बारे में दोबारा नहीं सोचने वाली हूं, क्योंकि सोचने से क्या होता है, मैं खुद खुद को दर्द देती हूं। और फिर जब क्षमा करना है तो किसको क्षमा करना है, क्षमा करना है तो किसको क्षमा करना है, जो दर्द दे रहा है उसको शमा? तो दर्द कौन दे रहा है, दर्द कौन दे रहा है, हम खुद खुद को दर्द दे रहे हैं। तो क्षमा किसको करना है, क्षमा हम खुद खुद को करेंगे कि इसके बाद मैं ये वाली थॉट अब फिर से क्रिएट नहीं करूंगा। फिर वो बात आएगी, लेकिन जैसे ही वो बात मन पे आए उसको बैठने नहीं देना, उसको बैठने नहीं देना। उन्होंने किया ऐसा, किया ऐसा, नहीं, फुल स्टॉप, ये टॉपिक फिनिश हो चुका है। उनके पास कोई रीजन था, वो उनका पर्सपेक्टिव था, ये बात खत्म हो चुकी है। और अगर कोई है जिनसे आपने काफी समय से बात नहीं की, कोई है ऐसे जिससे बोलचाल बंद करके रखी हुई है, आज ही वापस जाने के बाद नहीं, वापस जाने के बाद नहीं। परमात्मा कहता है जो करना है वो कब करना है, कब करना है, अभी करना है। अगर अभी भी करने का मन आए तो अब भी बाहर जाके कर दो, आज ही फोन करें और उनको बोले हमारी तरफ से बात फिनिश। और ये करने के बाद सबसे अच्छा किसको लगने वाला है, सबसे अच्छा किसको लगने वाला है, हमको। सारा दिन वो ही करना है जो हमारे लिए अच्छा है, हम सारा दिन वो ही कर रहे हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो किसी से भी बोलचाल बंद है, आज एक्सपेरिमेंट करके देख लो, सिर्फ एक बार करके देखो कितना अच्छा लगता है। और जब आप करेंगे तो ये नहीं सोचना कि वो लोग क्या सोचेंगे, और ये भी नहीं सोचना कि हम ऐसा करेंगे तो वो बिगड़ जाएंगे, फिर वो फिर कर देंगे। उन्होंने जो करना है वैसे भी करना है, उल्टा अगर हम बदल जाएंगे तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि सामने वाला भी चेंज हो जाएगा। तो आज फोन करके बात को फिनिश। और अगर किसी के मन में बात कोई पकड़ी हुई है तो 2 मिनट आज रात को बैठकर अपने आप को समझाते हुए कि ये बात किसी और को नहीं हो रही, तकलीफ मुझे हो रही है, आज से इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन फिनिश्ड। जैसे घर में बहुत बार डिस्कस कर करके फाइनली क्या बोलते हैं, बस अभी इस टॉपिक पर डिस्कशन खत्म। ऐसे ही अपने मन को भी बोलना पड़ता है, बस अभी बहुत हो गया, बहुत बोल लिए तुम इस टॉपिक के ऊपर, आज से ये टॉपिक फिनिश्ड। बिकॉज एवरी टाइम इट रिपीट्स, हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, बातें कुछ भी नहीं है। कई बार हम कहते हैं वो बात कितनी बड़ी थी, कहते हैं ना, सामने वाला कहता है छोटी सी तो बात है, हम कहते हैं ये आपको छोटी सी है, ये तो कितनी बड़ी बात है। बात का साइज कितना होता है, बात का साइज कितना होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वही परिस्थिति में दो लोग, एक कहता है छोटी सी बात है, दूसरा कहता है कितनी बड़ी बात है,
किस पर साइज डिपेंड करता है? जिसको जितना दर्द हो रहा होता है उसके लिए उतनी वो बात बड़ी होती है. बात का कोई साइज नहीं, बात का कोई साइज नहीं. अगर मुझे ज्यादा दर्द हो रहा होगा मैं कहूंगी कितनी ही बड़ी बात है, और जैसे ही दर्द कम होने लगा हम कहेंगे कोई बात नहीं, छोटी सी बात है. हमारा मूड अच्छा होगा हम कहेंगे छोड़ो ना, छोटी सी बात है. और मूड डिस्टर्ब्ड होगा तो हम क्या कहेंगे, ऐसे कैसे कर दिया उसने. तो सारा कुछ डिपेंडेंट कहाँ पर है? हमारे मूड पर. सारा दिन इसलिए उसको हल्का रखना है. अगर वो हल्का रहेगा तो वो हर बात को कैसे क्रॉस कर लेगा, कैसे क्रॉस करेगा? सोके, छोटी बात है, छोड़ो, लेट इट बी, फॉरगिव, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. जब भैया फोटो खींच रहे हैं तो हम सब कितना अटेंशन से बैठते हैं, बैठते नहीं बैठते, बैठते नहीं बैठते. और फोटो खींचने के टाइम हम स्माइल जरूर करते हैं, करते नहीं करते. और अगर उसने फोटो खींच ली और स्माइल नहीं आई थी हम उसको कहेंगे फिर से फोटो खींचो. इवन अगर 10 लोगों को उसमें वेट करनी पड़ेगी लेकिन मैंने स्माइल नहीं किया, फिर से फोटो खींचो. क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये बात? क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये बात? हर एक के लिए है ये, एवरीवन फील्स दैट. क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये बात? हाँ, अच्छे दिखते हैं. हाँ, और स्माइलिंग फोटो को बार बार देख सकते हैं. अच्छा, और अगर स्माइल नहीं आई तो हर बार जब वो फोटो देखेंगे तो हर बार स्माइल गायब हो जाएगी जो उस टाइम चेहरे पे, ओहो मेरी फोटो कैसे आई है, ओहो मेरी फोटो कैसे आ गई है ना. फोटो पे स्माइल होना कितना इंपॉर्टेंट लगता है. और सारा दिन भी तो फोटो खींच रही है ना. आप इस टाइम कितना मुस्कुरा रहे हैं, मेरे आंखों से आपकी फोटो खींच रही है. सारा दिन फोटो खींच रही है, नहीं खींच रही है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अंदर एक फोटो खींच रही है. हम जैसा फील कर रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं, जैसा व्यवहार कर रहे हैं, संस्कार के रूप में एक फोटो बनती है सारा दिन. वो फोटो में तो हम फिर कह सकते हैं फिर से खींचो, इस फोटो में नो रीटेक. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब हम यहां से छुट्टी लेंगे, यहां से मतलब इस शरीर से, तो ये सारी फोटोएं, ये सारे परिवार, ये सारी प्रॉपर्टी सब पीछे छूट जाएगी. साथ में क्या जाएगा, साथ में क्या जाएगा? वो सारी अंदर वाली फोटो, सारी जो अंदर फोटो खींची थी वो सारी साथ में जाएंगी. और अगर उस फोटो में स्माइल नहीं किया था तो अगली बार जहां कॉस्ट्यूम लेंगे वहां भी स्माइल नहीं करेंगे फिर. क्योंकि जो संस्कार लेकर जाएंगे वही संस्कार से तो नेक्स्ट जर्नी शुरू होगी फिर. तो कौन सी फोटो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हर क्षण फोटो खींच रही है, हर क्षण एक इंप्रेशन बनता जा रहा है अंदर. जब हम ऐसे समय पर जाते हैं जब कोई शरीर छोड़ता है तो सब लोग आपस में कैसे बात करते हैं, कहते क्या लेकर गए, सब कुछ तो पीछे छोड़कर चले जाते हैं. लेकिन सब कुछ पीछे नहीं छूटता है, सब कुछ जो दिखता है वो पीछे छूटता है, और सब कुछ जो नहीं दिखता है वो साथ जाता है. और सब कुछ जो साथ जाता है उसी से नई जगह की शुरुआत होती है. तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, नहीं है? है, नहीं है? अगर हमने किसी के प्रति कोई बात पकड़ कर रखी है तो पकड़ कर रखी है अंदर, और अभी कोई भरोसा नहीं कि वो या हम कब कॉस्ट्यूम चेंज कर दें, भरोसा कोई गारंटी अपनी फिर भी हो उनका क्या पता? क्योंकि अपने बारे में सोचने में नहीं अच्छा लगता कि हम कॉस्ट्यूम चेंज करेंगे, तो अपना नहीं सोचो, वो तो कर सकते हैं. अगर दोनों में से एक ने भी कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया और बात सॉल्व नहीं हुई थी फिर क्या होगा? फिर हम फिर मिलेंगे
और फिर वो आकर कुछ ऐसा कर देंगे जो हमें याद भी नहीं होगा कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, और फिर हम कहेंगे ये मेरे साथ ऐसा क्यों। कितनी बार सारा दिन में मन में ये बात आती है, मेरे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि हम जीवन को कितना देख रहे हैं अभी, और फिर हम कहते हैं मैंने आज तक कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ गलत क्यों। और उनको देखो, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, उनको देखो वो क्या कुछ नहीं करते हैं फिर भी उनके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। बच्चे कहेंगे मैं इतनी मेहनत करता हूं मार्क्स नहीं मिलता, उसको देखो वो तो करते भी नहीं कुछ बहुत ज्यादा, फिर भी ये क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। और फिर हम भगवान से शिकायत करना शुरू करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों। जो भी मेरे साथ हो रहा है उसमें परमात्मा की कोई चॉइस नहीं है, परमात्मा नहीं डिसाइड करता हमारे साथ क्या होने वाला है। कौन डिसाइड करता है हमारे साथ क्या होने वाला है? कौन डिसाइड करता है हमारे साथ क्या होने वाला है? हमारा भाग्य कौन बनाता है? हमारा भाग्य कौन बनाता है? हम खुद कब बना रहे हैं उसको? कब बना रहे हैं हम अपना भाग्य? उस हर परिस्थिति में, उस हर सीन में जब हमारे पास चॉइस है, गुस्सा करें, प्यार से बात करें, परेशान हो, इरिटेट हो या शांति से उस बात को सामना कर लें, उस हर परिस्थिति में हम डिसाइड कर रहे हैं कि मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य क्या होने वाला है। आज अगर आपके साथ कोई कुछ कर भी रहा है, कोई जान पूछ के आपके साथ गलत या कुछ नुकसान कर रहा है, एक्चुअली उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। सपोज आप डॉक्टर है, अच्छा तो आप डॉक्टर है, मैं आपके पास आई इलाज करने के लिए, ठीक है, और फिर आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर हैं अभी हॉस्पिटल के टारगेट और फला फला बहुत सारी चीजें आजकल, तो आप मुझे अपने टारगेट मीट करने के लिए एक दो टेस्ट एक्स्ट्रा लिख देते हैं, लिख देते हैं ना आजकल हम कई बार, कुछ कुछ कई बार लिखते हैं हम। अब आपके लिए आप कहेंगे ये मेरी मजबूरी है, मजबूरी है या चॉइस है, कर्म तो हम ही कर रहे हैं ना, तो आपने मुझे कुछ टेस्ट एक्स्ट्रा लिख दिए, आपके लिए वो 4-5 हजार का टेस्ट है सिर्फ, लेकिन वो 4-5 हजार मेरे लिए, वो 4-5 हजार मेरे लिए हो सकता है बहुत बड़ा अमाउंट हो। और फिर वो सिर्फ अमाउंट नहीं होता है, वो 5 हजार इकट्ठा करने में मुझे बहुत तकलीफ से भी गुजरना पड़ता है, और क्योंकि आपने मुझे वो टेस्ट लिख दिया मुझे डर भी लगना शुरू हो जाता है कि मेरे को क्या हुआ है, तो मुझे डर भी हुआ, दर्द भी हुआ, और अब ये सारा कुछ जो हुआ इसका असर मेरे परिवार पर भी पड़ा, उनको भी डर लगा कि इनको पता नहीं क्या हो गया है। तो आपके 2-3 टेस्ट ने कम से कम नहीं तो 3-4 लोगों को तो डर दिया, दिया दर्द भी दिया, तकलीफ दी। अब टेस्ट तो हो गए, हम उसके बाद नहीं मिले, 10 साल 20 साल 50 साल बीत चुके, आपने भी कॉस्ट्यूम बदला, मैंने भी कॉस्ट्यूम बदला, लेकिन अब जब हम फिर सामने सामने आएंगे, ये ताली बजाने की नहीं, काफी सीरियस बात है, क्योंकि जब अब हम वापस मिलेंगे तो आपको ना ये याद रहेगा कि मैं वही पेशेंट हूं, ना आपको ये याद रहेगा कि आपने कुछ टेस्ट एक्स्ट्रा लिख कर छोटी सी गड़बड़ की थी, लेकिन क्योंकि की थी तो मैंने तो वापस आना ही है, और आकर मैंने कुछ ऐसा करना है जिससे सिर्फ आपके 5 हजार नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हिसाब सिर्फ 5 हजार का नहीं था, वो हिसाब किस चीज का था? दर्द, डर, तकलीफ। तो मैंने आना है आपके जीवन में और कुछ ऐसा करना है जिससे आपके तन मन धन तीनों पर असर पड़ जाएगा, अचानक आकर करके चले जाना है, और फिर आपने कहना है मेरे साथ
मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे साथ सिर्फ ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मैंने उस आत्मा के साथ कोई एक अकाउंट क्रिएट कर दिया था। जब सपोज हम आज मिलते हैं और जैसी हमारी मीटिंग होगी, सपोज बहुत मजा आया मिलके, तो जब हम कल मिलेंगे तो आज की मीटिंग का प्रभाव कल पर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? आज अगर मीटिंग अच्छे नोट पर खत्म होती है तो कल मिलते ही शुरू किस नोट पर होगी? अच्छे वाले। आज अगर मीटिंग झगड़े पर खत्म होती है, कल जब मिलेंगे शुरू किस पर होंगे? ऐसे देखेंगे एक दूसरे को। इसी तरह आज हम जिस कॉस्ट्यूम में हैं और हमारी हर एक के साथ जो मीटिंग चल रही है, फिर जब कॉस्ट्यूम बदलते हैं और हम फिर मीटिंग करते हैं, तो जिस नोट पर लास्ट मीटिंग खत्म हुई थी उसी नोट पर आगे शुरू होती है। हम किसी से भी फर्स्ट टाइम नहीं मिल रहे हैं। अब आप उन सबको अपने सामने ले आइए जो आपको लगता है कि वो आपको तंग करते हैं, वो आपको परेशान करते हैं, वो आपके दुख का कारण है। वो चाहे कोई क्लाइंट हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, मदर इन लॉ हो सकती है, कई बार बच्चे भी हो सकते हैं। एंड फिर उनको बहुत प्यार से दृष्टि दो क्योंकि वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ क्या करने के लिए आए हैं वापस? वो सिर्फ क्या करने के लिए आए हैं वापस? वो ही वाला अकाउंट को सेटल करने के लिए। अब हमारे पास चॉइस है, लेकिन क्या करना है? तब जो किया वो तो किया, कांट डू एनीथिंग, लेकिन अब हमारे पास चॉइस है। अब अगर हम फिर हर्ट होते गए या गुस्सा किया या रिवेंज लिया, तो फिर हमने उस अकाउंट को क्या किया? फिर उसी क्वालिटी का अकाउंट कंटिन्यू किया। और अब अगर हम में से एक जना, दो जनों में से एक जना ये डिसाइड करे कि भल वो कुछ भी करते हैं, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो डिस्टर्ब न होने से हमने उस अकाउंट को क्या कर दिया? क्लोज नहीं होता अकाउंट, कभी क्लोज नहीं होता, अकाउंट की क्वालिटी को चेंज कर दिया। पहले उस अकाउंट में नेगेटिव एनर्जी ट्रैवल कर रही थी, अब वहां से नहीं हमें पता क्या चेंज हुआ है, लेकिन हम अपनी तरफ से एनर्जी की क्वालिटी को चेंज कर देते हैं, तो हमारा प्रेजेंट भी ठीक हो जाएगा और हमारा फ्यूचर भी ठीक हो जाएगा। अपने भाग्य को बदलने के लिए कहीं बाहर किसी और के पास नहीं जाने की जरूरत होती है। हम सब कुछ बदलने के लिए रेडी हो जाते हैं अपने भाग्य के लिए। क्या क्या बदलते हैं? रिंग पहनते हैं, नग बदलते हैं, रंग बदलते हैं, नाम बदलते हैं, नंबर बदलते हैं, घर भी बदल देते हैं, कमरे बदलते हैं, सब कुछ बदल देते हैं, सिर्फ जिसको बदलना चाहिए उसको नहीं बदलते, क्योंकि बाहर बदलना इजी होता है। कोई कहे आपका कमरा नॉर्थ वेस्ट है इसलिए झगड़ा होता है आप दोनों के बीच, साउथ ईस्ट कर दो झगड़ा ठीक हो जाएगा, तो हम कहते हैं ठीक है कमरा बदल दो। कभी कभी तो कहेंगे घर ही बदल दो, दुकान ही बदल दो, इधर नहीं चलता काम ठीक से, लेकिन वो सब कुछ बदलने से क्या रिजल्ट होगे? थोड़ा सा परिवर्तन आएगा भी तो कितना टाइम आएगा? जितना टाइम हमें याद रहता है कि हमने कमरा बदला है, अब हमारा झगड़ा नहीं होने वाला है, तब तक वो वर्क करता है, क्योंकि सारा काम कहां पर हो रहा है? यहां पर। वो एक सीढ़ी है सिर्फ, साइंस है, वो सारी चीजें साइंस है, लेकिन वो इतनी ही है, उसकी पावर इतनी ही है, बाकी सारी पावर किसके पास है? बाकी सारी पावर किसके पास है भाग्य बदलने की? वो हमारे पास है, क्योंकि हमारा भाग्य हमारी हर सोच, हमारे हर रिस्पॉन्स से बनता है। तो हर स्टेप में अगर कोई कुछ कर भी रहा है, कह भी रहा है, उसको रिएक्ट नहीं करो। हर कार्मिक अकाउंट को धीरे धीरे क्या करें? धीरे धीरे क्या करें? उसकी क्वालिटी को चेंज करते जाएं। नहीं तो फिर वो कुछ बोलेंगे, फिर हम रिएक्ट करेंगे, फिर वो बोलेंगे, फिर हम रिएक्ट करेंगे, प्रेजेंट भी खराब,
फ्यूचर भी डेस्टिन्ड। तो सारा दिन में थोड़ा सा अपने ये सोच, वर्ड्स और कर्म पर ध्यान रखना पड़ता है। और जब कर्म पर ध्यान रख रहे हैं तो कहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है? सपोज बहन को अभी कहें कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप मिलते रहा करो, आपसे मिलकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अंदर से मैं सोचूं, फिर आ गई, जब देखो आ जाती है, खुद के पास कोई काम नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, कौन सा वाला कर्म बना? कौन सा वाला कर्म बना? बाहर से उनको बोला आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और अंदर से सोचा फिर आ गए हैं, हर बार आते हैं, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, कौन सा कर्म बना? कौन सा कर्म बना? नेगेटिव। तो इसलिए जब अपनी चेकिंग करनी है तो एक्शन के और शब्दों के लेवल पे नहीं चेकिंग करनी है। कहाँ चेकिंग करनी है? कहाँ चेकिंग करनी है? थॉट के लेवल पर। हम में से मेजॉरिटी आज कहते हैं मैंने हमेशा उनके साथ अच्छा किया है, कहते है? नहीं कहते है? मैंने अपने परिवार के लिए इतना किया है, मुझे क्या मिला? क्योंकि हमने सब कुछ किया है, किया है, किया है, लेकिन नॉट नेसेसरी कि हमने खुश रह कर किया है। और ज्यादातर आज हम कभी परेशान रहकर, कभी उदास रहकर कर रहे हैं। तो जैसा रहकर करेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि कर्म कहाँ क्रिएट हो रहा? यहाँ। तो थॉट एनर्जी और फिर साउंड एनर्जी, पहले कौन सी ट्रैवल करेगी? पहले कौन सी ट्रैवल करेगी? थॉट एनर्जी। इसलिए अटेंशन। और सारा दिन में जो कर्म कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बहुत ही क्रिटिकल प्रोफेशन में हैं, क्योंकि सारा दिन आप उन आत्माओं के साथ डील कर रहे हैं जो कैसी स्थिति में है, कैसी स्थिति में है? दर्द में है। दर्द की स्थिति में किसी को तकलीफ देना नहीं, अच्छी वाली स्थिति में तकलीफ देना ही कैसा कर्म है, लेकिन दर्द की स्थिति में किसी को तकलीफ देना ये कौन से खाते में चला जाएगा फिर? इट इज वेरी डीप कर्म ना। किसी को चोट लगी हो और फिर उठाकर उसी चोट पर जोर से मारना, ये कौन से खाते में चला जाएगा? तो इसलिए क्योंकि सारा दिन हम उन आत्माओं से डील कर रहे हैं जो पहले से ही दर्द में हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। हम कुछ भी ऐसा ना सोच सकते हैं ना कर सकते हैं जिससे उनका दर्द, जिससे उनका दर्द बढ़ जाए। और ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उनके वो दर्द को, इवन अगर सामने पेशेंट बैठकर बार बार प्रश्न पूछते हैं, पूछते हैं ना कई बार वही बात, फिर पूछेंगे क्या खाना है, दवाई कितने बजे खानी है, फिर हम कहेंगे बता दिया आपको, नहीं लेकिन सर फिर भी डॉक्टर साहब कितनी बार खानी है, फिर बाहर जाके दो मिनट के बाद फिर से आएंगे, मैं भूल गया कितनी बार खानी है इसको, तो हमारे मन में उनके प्रति कैसा चलना शुरू होता है, कैसा चलना शुरू होता है? और फिर हम ये नहीं कहते हम इरिटेट हो रहे हैं, हम कहते हैं ये पेशेंट ही इरिटेटिंग है ना, पेशेंट इरिटेटिंग होते हैं हमारे, कुछ कुछ पेशेंट इरिटेटिंग होते हैं पेशेंट। अब पेशेंट इरिटेटिंग नहीं होते, पेशेंट के व्यवहार से हम इरिटेशन क्रिएट करते हैं। अगर वही पेशेंट 10 डॉक्टर्स के पास जाए तो क्या सारे 10 डॉक्टर्स उतना इरिटेट होंगे? यस और नो? कोई आपसे भी ज्यादा और कोई आपसे कम। तो इसलिए पेशेंट इरिटेटिंग नहीं है। अगर पेशेंट इरिटेटिंग होता तो वो हर एक के अंदर उतनी इरिटेशन क्रिएट कर देता। पेशेंट स्टिम्युलस है और उस स्टिम्युलस के सामने हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है किसकी शक्ति पर, किसकी? हमारी शक्ति पर। तो उनको समझना और अपना ध्यान रखना, हो सकता है हम बार बार वो बात रिपीट नहीं कर सकते,
लेकिन बिना इरिटेट हुए भी ये बात कही जा सकती है। हमारी भी कैपेसिटी है ना, हमें भी कितना कुछ करना है, तो हम एक ही के साथ इतना टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। लेकिन इरिटेट होकर उसको नेगेटिव वाइब्रेशन भेजना, इसकी जरूरत नहीं है। ये अननेसेसरी क्रिएशन है, जिससे नुकसान उनका तो हो गई, लेकिन पहले किसका होगा? क्योंकि वो तो एक पेशेंट है, लेकिन हमें कितने पेशेंट्स देखने हैं सारा दिन? हमें तो कितने पेशेंट्स देखने हैं। अगर हम हर एक के साथ ऐसे थोड़ा थोड़ा भी इरिटेट होते गए, तो शाम तक जब हम घर पहुंचेंगे, तो हमारे घर वाले कहेंगे ये बड़े इरिटेटिंग है, क्योंकि वो संस्कार हमारा बन जाएगा और हम घर आकर व्यवहार भी फिर वैसा करेंगे। और जैसे ही हम वैसा व्यवहार करेंगे, पूरे घर की एनर्जी बदल जाएगी और वो कहेंगे ये बड़े इरिटेटिंग है। तो इसलिए सबके साथ डील करते हुए सबसे पहले प्रोटेक्शन किसकी? अपनी। आपके पास एक बेनिफिट है, आप एक पेशेंट से मिलते हैं, वो बाहर जाता है, अगला आता है, बीच में कम से कम नहीं तो आधे मिनट का गैप होगा या नहीं होगा? होगा ना, आधे से एक मिनट का गैप होता है। उस आधे से एक मिनट में अपनी धुलाई करनी होती है, अपनी प्रोटेक्शन। एक थॉट क्रिएट करें, मैं एक प्योर पावरफुल पीसफुल आत्मा हूं, ताकि वो सारी जो थॉट्स पहले क्रिएट हुई वो क्या होंगी? क्लीन हो जाएंगी। ये न्यू थॉट क्रिएट होगी, ताकि नेक्स्ट पेशेंट जैसे ही एंटर होगा, उसको हमसे कौन सी वाइब्रेशन मिलेगी? पॉजिटिव वाइब्रेशन। वो कहेगा इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, और फिर उसके बाद वो किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, तो बिजनेस भी अच्छा चलेगा। यस, बोथ द थिंग्स विल वर्क। क्योंकि आज प्रोफेशनल्स बहुत सारे हैं, टेक्नोलॉजी सबके पास है, स्किल सबके पास है, डिग्री सबके पास है, तो हमारे पास क्या ऐसा होना चाहिए जो लोग हमारे पास आए और दूसरों के पास ना जाए? क्या होना चाहिए? अगर आपको ही किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए, तो आपको कैसा डॉक्टर अच्छा लगेगा? प्यार से बोलने वाला और सहयोग देने वाले और हाँ? तो हमें डॉक्टर वो पसंद आएगा जिससे मिलते ही कंफर्टेबल लगे, कंफर्ट लेवल आ जाना चाहिए, और वो कंफर्ट लेवल आपकी वाइब्रेशन से आता है। कई बार आप बात भी बहुत प्यार से कर रहे हैं, पेशेंस से कर रहे हैं, उनके सारे क्वेश्चंस भी आप आंसर कर रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन हैवी है। और वाइब्रेशन क्यों हैवी है? क्योंकि मन पे कुछ बोझ है, पास्ट पेशेंट से मिलकर कुछ जो क्रिएट हुआ वो वाइब्रेशन है। तो भले आप प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन कैसे आएगी? बहुत हैवी। तो डॉक्टर वो अच्छा लगेगा जिससे मिलकर कैसा महसूस हो? वेरी वेरी कंफर्टेबल। अगर हम इस कंफर्ट पे काम करना शुरू करें, तो सब लोग हमारे पास आएंगे, और खुद भी आएंगे और औरों को भी बताएंगे इनके पास जाना चाहिए। वर्तमान समय किसी भी प्रोफेशन में सबके पास सब कुछ है, अगर कमी है तो किस चीज की है? कमी है तो किस चीज की है? वैल्यूज। ये वैल्यूज, पीस, लव, कंपैशन, एंड देन ऑफ कोर्स ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, सेकेंडरी वैल्यूज। अगर हम इन सब वैल्यूज को ले आए, हमारा बिजनेस, आजकल लोग कहते हैं ऑनेस्टी से काम नहीं चलता, कहते हैं ना ऑनेस्टी से नहीं काम चल सकता। एक्चुअली अब अगर अच्छा काम चलाना है, तो वो ऑनेस्टी से ही चलाना चाहिए, क्योंकि वही वो चीज है जो बहुत रेयर है, वही वो चीज है जो कुछ लोगों के पास है, बाकियों ने तो डिसाइड कर लिया कि उससे काम नहीं होता है। तो सभी उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, चाहे वो कोई भी बिजनेस है, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी प्रोफेशन, हर एक ढूंढ रहा है किसके पास वो वाली वैल्यू है, हमें उनके पास। उसके लिए चाहे हमें पैसे थोड़े ज्यादा भी देने पड़ जाए। आज आप ये सोचो, डॉक्टर के पास जाने से पहले डाउट आता है माइंड में, आता है नहीं आता? चाहे वो थोड़े कुछ लोगों की वजह से हुआ होता है,
लेकिन फिर वो बिलीफ सिस्टम तो बन जाता है ना। और जब आप इलाज कर रहे हैं, अगर आप मुझे कुछ कहते हैं, आप ये टेस्ट करवा लो, और मेरे माइंड में ये थॉट आ जाए कि क्या मुझे ये सचमुच चाहिए या ये ऐसे ही कह रहे हैं, मेरा इलाज क्या होगा? आधा तो खराब हो गया ना वहीं पे, आधा तो खराब हो गया ना। क्योंकि इलाज का फाउंडेशन क्या होना चाहिए? इलाज का फाउंडेशन क्या होना चाहिए? विश्वास। जहां फेथ है वहां आधा काम तो पहले ही हो गया। एंड सपोज फेथ भी नहीं, उसकी वजह डाउट है, तो फिर क्या होगा? फिर वो काम क्या होगा? आपको उसकी हीलिंग में मुश्किल आएगी है, क्योंकि वो आपकी हर बात पे क्या कर रहा है? डाउट कर रहा है। ये टेस्ट जरूरी है क्या? मुझे बार बार आने की वहां जरूरत है? इन्होंने फिर से मुझे इसीलिए बुला लिया क्योंकि इनको फिर से, इनको तो फीस मिलेगी ना अपने। ये थॉट्स चलती है, मेरे अंदर भी चलती है, तो फिर इसका मतलब मुझे डाउट है, और अगर डाउट है तो मेरी हीलिंग नहीं हो सकती है। तो इसलिए वो वाली स्टैंप लगवा लो, हर एक के अंदर ये बात हो जानी चाहिए कि इनके पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे तो ऑनेस्टी है, कोई और कहीं नहीं जाएगा। कब सोचना चाहिए कि इससे हमारा प्रॉफिट कम होता है, इससे तो हमारा प्रॉफिट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट दो प्रॉफिट, एक बाहर दूसरा अंदर। सारा दिन दो बिजनेस चलते हैं, एक बाहर एक अंदर। अगर सिर्फ बाहर के प्रॉफिट का सोचा और अंदर लॉस कर दिया, तो एंड समय में ये वाला प्रॉफिट यहां रह जाएगा और वो वाला लॉस साथ में जाएगा। तो ये वाला भी प्रॉफिट, अंदर भी प्रॉफिट, बाहर भी प्रॉफिट। देन वी विल नॉट ओनली बी वेल्दी बट वी विल बी हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस में ऑर्डर क्या होना चाहिए? हमें हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए? अच्छा, हेल्थ पहले होनी चाहिए। हाउ मेनी फील? अच्छा, वेल्थ पहले होनी चाहिए। माउंट आबू में आने सारे आंसर चेंज हो जाते हैं। सी, अच्छा, हैप्पीनेस पहले होनी चाहिए। अच्छा, फर्स्ट हैप्पीनेस, सेकंड हेल्थ, थर्ड, बस सिर्फ यही लेकर जाना यहां से, बाकी सब छोड़ के चले जाना। सिर्फ प्रायोरिटी इन लाइफ, प्रायोरिटी क्या है हमारी जीवन की? पहले हैप्पीनेस, फिर हेल्थ, और फिर लास्ट वेल्थ। और सारा दिन क्या हो रही है? पहले वेल्थ, फिर हेल्थ, और हैप्पीनेस के बारे में टाइम ही कहाँ है सोचने के लिए? टाइम ही कहाँ है? काम करना है तो गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, ये कहकर हैप्पीनेस को कहाँ डाल दिया? लास्ट में। और इसलिए जब हैप्पीनेस लास्ट में गई, तो ना हेल्थ आई और ना वेल्थ को इंजॉय कर पा रहे हैं, इंजॉय नहीं कर पा रहे उसको। वेल्थ है, इंजॉय नहीं कर पा रहे। क्यों? अंदर खुश नहीं है। क्यों? आपस में रिश्तों में थोड़े थोड़े टकराव हैं, अलग अलग रूम में बैठ के टीवी देख रहे हैं, क्योंकि वेल्थ है तो दो टीवी अफोर्ड कर सकते हैं। यही हो गया ना? लेकिन फिर क्या हुआ? खुशी कहाँ है? अकेले बैठकर टीवी देख रहे हैं, इंजॉय कैसे करेंगे अपनी वेल्थ को? इकट्ठे जा नहीं रहे घूमने के लिए, तो अपनी वेल्थ को इंजॉय कैसे करेंगे? तो हैप्पीनेस, फिर हेल्थ, और फिर वेल्थ तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जो हैप्पी होगा और हेल्दी होगा, उसके पास वेल्थ तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एंड फिर अगर नहीं भी आए तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास हैप्पीनेस और हेल्थ तो पहले से ही है। वेल्थ चाहिए किस लिए थी? धन चाहिए किस लिए था? खुशी के लिए। खुशी तो पहले से ही है, तो अब जितना भी धन आएगा हम संतुष्ट हो जाएंगे। और अगर खुशी नहीं, तो कितना भी धन आएगा हम संतुष्ट नहीं होंगे। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। रिएक्शन हमारे हाथ में है, परिस्थिति आएगी एक सेकंड लेकर, थॉट्स मेरी क्रिएशन है, और क्रोध मैंने यूज करना नहीं है। हमने कौन सी टेक्निक यूज करनी है? स्टेबिलिटी,
पीस लव पावर कोई भी बात पकड़ कर रखी है तो उसको क्या करना है उसको क्या करना है छोड़ देना है एकदम छोड़ते जाना है दूसरों से सच बुलवाना है तो फिर खुद कैसे रहना है खुद कैसे रहना है स्टेबल रहना है ताकि वो हमें ट्रस्ट करके हमारे सामने ऑनेस्ट हो सकते हैं चलो सिट बैक 2 मिनट्स वो सब जिनको पकड़ कर रखा है अब हम उनको क्या करेंगे अब हम उनको क्या करेंगे छोड़ते जाएंगे पहले 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे जो जो हमने सुना शेयर किया और मन में जो चला उसमें से कोई भी एक बात पकड़ेंगे सिर्फ और फिर हम उस पर मेडिटेशन करेंगे पहले आप एक बात ढूंढ लीजिए अपने लिए कोई भी एक बात जो मुझे आज से अप्लाई करनी है कंफर्टेबल होकर बैठे इस शरीर का मालिक शरीर को चलाने वाली शक्ति चैतन्य शक्ति मैं आत्मा हूं धीरे धीरे अपने आप को देखने की कोशिश करें इस शरीर में ब्रिकुटी के बीच इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड सुंदर सा चमकता हुआ सितारा पॉइंट ऑफ लाइट मेरी हर थॉट हर फीलिंग मेरी क्रिएशन है मेरी चॉइस है परिस्थिति चाहे कुछ भी हो लोग चाहे कैसा भी व्यवहार करें मेरी थॉट मेरी चॉइस है देखें अपने आप को सबके साथ बात चाहे कैसी भी हो उनका व्यवहार चाहे कितना भी कठिन हो I have a choice. And I choose stability, peace, and happiness. काम करेंगे और करवाएंगे लेकिन अपना ध्यान रखते हुए Thank you.
कोई भी बात मन में पकड़ के रखी थी, बार बार उसका चिंतन चलता था। बार बार दर्द होता था, आज से फिनिश्ड, फुल स्टॉप। मुझ आत्मा का, उस आत्मा के साथ एक पास्ट अकाउंट है। कभी न कभी मैंने कुछ किया था जो मेरे सामने आ रहा है। अब मेरे पास चॉइस है, प्यार से उस अकाउंट को चेंज करना है। वो चाहे कैसा भी व्यवहार करे, मुझे अपने से जाती हुई एनर्जी को बदलना है, क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे भाग्य हमारा बनेगा। अपने भाग्य को लिखने की कलम हमारी एक एक थॉट है। ध्यान से सोचें, मेरी एक एक सोच मेरा भाग्य बना रही है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आज से मैं आत्मा जिस बात को समझ लेती हूँ, निर्णय ले लेती हूँ, तो उसको करना मेरे लिए बहुत सहज है। Because I am a powerful soul. Thank you so much.